महलों में उनके जाली लगती, फिर जो है वो हाथी दांत पे हुआ काम इसका, वो बैंड होने के बाद हम लोगों ने इस पे जो है इस पे विफाइलों पे चालू किया। शुरू में तो मुश्किल लगता है, फिर धीरे धीरे आसान होता है, जितना लगाव होता जाता है उतना आसान होता जाता है काम। ये हमारे मामू हैं जो कि वो मलालागंज बाराबंकी में रहते हैं, हम भी वहीं रहते थे, वहीं हमने मामू से अपने काम सीखा है। काम सीखने के बाद में मैं लखनऊ आ गया। लखनऊ में हमें करीब जो है 25 साल से लखनऊ में मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि ये बोन कार्बिन की मार्केट है लखनऊ। देखिए पहले जो है राजा महाराजाओं के टाइम, मुगल ज़माने के टाइम जो है, उस टाइम जो है हाथी दांत पे जो है काम होता था, क्योंकि उस टाइम कोई काम नहीं था हैंडीक्राफ्ट का, तो लोग जो है अपने हाथ से बना बना के जो है तो राजाओं को दिखाते थे, अपने मुगल जो होते थे उनको दिखाते थे कि ये देखिए हमने हाथी दांत बनाया। और वो बनाते क्या थे कि ये उनके महल में जालियां लगती थी, तो वो जाली जाकर देखते थे, फिर आकर के उसकी नकल जो है बोन कार्बिन पे करते थे। बिफेलों की हड्डी लाते हैं, फिर उसको जो है हम लोग उसको आरे पे काटते हैं, मोटर पे काट के उबालना पड़ता है हम लोग को। उबालने के बाद जो है फिर इस पे काम किया जाता है। काम होने के बाद हाइड्रोजन से वाइट करने के लिए हाइड्रोजन यूज किया जाता है, फिर पॉलिश वगैरह करके फिर फिटिंग की जाती है। बहुत है, क्योंकि अच्छा प्रोडक्ट जब बनता है तो बहुत सारे लोग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर हम ख़राब बनाएंगे तो कोई नहीं लेगा, और जब अच्छा बनाएंगे तो सभी लेने को तैयार होंगे, क्योंकि वो नई एक चीज़ होगी कि ये जो है बोन पे बना हुआ है, और जो है कि लकड़ी पे तो आमतौर बनता ही हर जगह पे, मगर ये बोन पे बना ये जो है अलग ही होता है मटेरियल इसका जो है। को काम ये बहुत पसंद है, एक तो हैंडीक्राफ्ट है, हाथ से बना हुआ काम है, दूसरी बात ये इसमें जो प्रोडक्शन है वो उसकी लिमिट नहीं है, क्योंकि आप कुछ भी बना सकते हैं और इतने खूबसूरत बन के प्रोडक्ट तैयार होते हैं कि कभी कभी हम लोग काम करते हैं, जैसे मिठाई वाले को भी मिठाई पसंद नहीं होती कि हमारे काम में ये चीज़ नहीं है। हमारे काम में हमको क्राफ्ट बहुत पसंद आता है, कोई भी नया प्रोडक्ट बनता है हमको बड़ा अच्छा लगता है, अगर अच्छा बन जाता है तो मज़ा भी आता है करने में। और मतलब इस वजह से हमने और सीख लिया, क्योंकि लोग ख़त्म हो रहे थे ये मतलब जो कार्विंग है बोन कार्विंग, ये डेथ आर्ट है, ख़त्म पे है बिल्कुल।